हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आप यहाँ आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर, हमारे चैनल को, मेरे नहीं, हमारे टैरो पूर्णिमा फैमिली चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू वॉच माई वीडियो। आज का टॉपिक आप जानते हो, आज वेंसडे का दिन है और आज मैं टॉपिक बनाती हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये टॉपिक पे हमारा वीडियो होता है। वेंसडे का दिन है, वीकली अपडेट है। ओके, एनर्जी अपडेट है, क्या हो रही हैं चीज़ें, क्या नहीं हो रही हैं। नाउ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब एक चीज़, ओके, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा कुछ नहीं होता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है जिनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, नेगेटिव, ओके, फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, उनका वर्क लाइफ हो सकता है, हो सकता है वो अपने वर्क लाइफ पे इतना ध्यान दे रहे हो जिसकी वजह से आप पे ध्यान ना दे पा रहे हो। तो आफ्टर ऑल इस पूरे सिचुएशन में जो भी आपके सिचुएशन को सेट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सुने। अगर आपकी पर्सन और आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना सुने, अननेसेसरी डाउट्स ना क्रिएट करें अपने मन में, ओके? अगर आप श्योर हो कि कोई इशू है, जो थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि कोई पर्सन ही है, ओके? थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है जो उनके माइंड को ऑक्यूपाई करके रखे, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग, ओके? तो अगर आप श्योर हो कि कोई चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी चल रही हैं, ओके? तो आप जॉब के भी रिस्पेक्ट में सोच सकते हो, पर्सन के भी रिस्पेक्ट में सोच सकते हो। अगर आप श्योर हो तभी ये वीडियो देखोगे, एंटी अनलेस आप ये वीडियो नहीं देखोगे, ओके? ये जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी रीड हो रही होती है, एक जनरल एनर्जी रीड हो रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों के साथ वो सेम सिचुएशन फॉलो अप हो, ओके? पर्सनल रीडिंग में बस आपकी एनर्जी रीड होती है, आपके पार्टनर की एनर्जी रीड होती है, तो वहाँ चीज़ें फॉलो अप होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे चीज़ें होती हैं, फॉलो अप होती हैं, वहाँ के एडवाइजेस ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे दिया है, ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आप टॉपिक के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और जो भी थर्ड पार्टी के बारे में आप जानते हो उनके बारे में सोचें और इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करें, ओके? अगर आपको रीडिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम से हर टाइम पॉजिटिव या झूठी झूठी बातें आपसे करूं, ठीक है, पॉजिटिव बातें जहां पे होंगी मैं बताऊंगी, झूठी बातें मैं नहीं बोलती हूं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं कि हाँ सब कुछ ख़राब हो गया या एनीथिंग जो कार्ड नहीं बता रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं सच बोलूंगी और सच बोलने में हो सकता है कि आपको वो सच पसंद ना आए, ओके? तो सच सुनने की अगर हिम्मत होगी तभी आप ये वीडियो देखें, ओके? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे वाइट पाइल की, फिर ग्रीन पाइल की एंड उसके बाद लास्ट में ब्लू पाइल की। तो देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, ओके?
ओके, तो कार्ड्स आपके सामने हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो मुझे जहाँ तक याद है पास्ट वीक में मैंने रीडिंग की थी एक पाइल की रीडिंग आई थी। मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है बिकॉज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उस एक हफ्ते के दौरान में, बट मुझे याद है कि कोई से एक पाइल में ऐसा कुछ आया था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। अगर आप उन लोगों में से हो जिसका पिछले वीक में ये चीज़ें आई थी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि पिछले हफ्ते जो पाइल आपने सेलेक्ट किया इस हफ्ते भी आप सेम पाइल सेलेक्ट करो। ओके, बस अगर ऐसा होता है ना कि आपने पिछले हफ्ते जो सेलेक्ट किया और इस हफ्ते जो सेलेक्ट किया, अलग अलग पाइल्स हो सकते हैं, बट उसकी एनर्जी अपडेट में मुझे लगता है कि ये उन पाइल वाले लोगों की है जिनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। और आप पहली बार सुन रहे हो तो आप सोचोगे मैम पिछले हफ्ते तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं सेलेक्ट किया तो कोई बात नहीं, ये कोई कंटिन्यूएशन रीडिंग नहीं है, ये अपने आप में एक रीडिंग है। मैं बस उन लोगों को इन्फॉर्म कर रही थी जो लोगों ने और भी चीज़ें पिछले हफ्ते सेलेक्ट कर रखी थी। उससे कोई इशू नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पार्टनर जो हैं अभी प्रेजेंटली दैट पर्सन, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, निराश हैं चीज़ों को लेकर के। इन लोगों के बीच की चीज़ें, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर में नेगेटिविटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एंड द थिंग इज़ कि आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मटीरियल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मटीरियल चीज़ों पे ध्यान देने का मतलब पैसा, लग्जरी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अभी उनका फाइनेंसिस भी थोड़ा ख़राब हुआ है जिसके वजह से भी वो हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़िद में हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। द थिंग इज़ कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, पूरा जो सिचुएशन सी जो पूरा सिचुएशन था इन लोगों के रिलेशनशिप का, या इन लोगों के जो भी थर्ड पार्टी, आपके केस में कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी आपके केस में कोई जॉब या कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। तो जो भी रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में, उसमें अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ी हैं, इश्यूज बढ़े हैं। एक जो पूरा सिचुएशन नटशेल में था, चीज़ों के बीच में प्रोटेक्टेड था, एक नई बिगनिंग थी, चीज़ें अमेजिंग चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि आपके पार्टनर के नेचर में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि अभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, एनजाइटी है, फियर है, गुस्सा है। कहीं ना कहीं वो अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बहुत ग्राउंड पे नहीं है, मतलब जो चीज़ें हैं ना, मतलब माइंड में ऐसी चल रही है ना जो रियलिस्टिक नहीं हो सकती हैं। ऐसे ड्रीम्स जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ें जो कभी उनकी सही नहीं हो सकती, उस टाइप का एक कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी अपने आप को कहीं ना कहीं एक जो पूरी सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्टैगनेशन है, और जो इनकी प्लान्स थी वो प्लान्स कहीं ना कहीं अभी फेल हो रही हैं। इस वजह से भी सिचुएशंस ख़राब हो सकता है, इस वजह से भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट है, रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बर्डन वाला लग रहा है, कोई भी हो सकता है, फैमिली पर्सन हो सकते हैं कोई भी, जॉब हो सकता है, कोई और फ्रेंड्स हो सकते हैं कोई भी। तो एक जो रिलेशनशिप में जो एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, उस हैप्पीनेस के जगह एक बर्डन टाइप का सिचुएशन है। एंड इस बर्डन टाइप के सिचुएशन में बहुत सारी रॉ एनर्जी फ्लो करेगी, और जब बहुत सारी रॉ एनर्जी फ्लो करेगी और ये लोग चैनलाइज नहीं कर पाएंगे उस रॉ एनर्जी को, क्योंकि रॉ एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए माइंड में बहुत ज़्यादा शांति चाहिए होती है। माइंड में बहुत ज़्यादा पीस चाहिए होता है। तो जब वो लोग इस चीज़ को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे तब रिलेशनशिप में अगेन एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आएंगी। जो भी इनके कुछ प्लान्स बन रहे थे ना उसमें डिलेज है। क्योंकि यहाँ पे बार 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 डिले का कार्ड आ रहा है। एक इंथुजियाज्म खत्म हो चुका है।
बहुत इश्यूज आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, इस पूरे सिचुएशन में स्टे नहीं करना चाहते हैं। दे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद इस सिचुएशन से निकलने से उनके माइंड को थोड़ा शांति मिलेगा, थोड़ा पीस मिलेगा, ओके, थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी। मगर जो मोशन है, जो इच्छा है निकलने की या जो सिचुएशन है निकलने का, वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। क्योंकि सी, स्लो होने के और भी चांसेस होते हैं, बिकॉज़ अगर आपका खुद का दिमाग उस चीज़ को ले नहीं पा रहा है, खुद की एनर्जी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो ऑटोमेटिकली जो एक्शंस होते हैं वो डिले होते हैं, ऑटोमेटिकली जो एक्शंस होते हैं उनमें लेट होता है। आपके पार्टनर को समझना चाहिए कि वो जो इतना नेगेटिविटी में है, वो चाहे तो अपने आप को फ्री कर सकते हैं इस पूरे नेगेटिविटी से, मगर वो प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सॉल्यूशंस पे कम। अभी इन लोगों की लड़ाइयाँ भी होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, कन्वर्जेशन में कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहाँ पे कि एक्सेसिव पेन, होपलेसनेस, पूरी तरीके से एकदम ऐसा महसूस करना जैसे अब कोई रास्ता ही ना बचा हो, अब कुछ और हो ही नहीं सकता है, उस टाइप की फीलिंग आएंगी आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी को। इस रिलेशनशिप का, इस पूरे सेटअप का उन लोगों को कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है कि अगर हम जा भी रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, अगर हमें जाना भी चाहिए तो किधर जाना चाहिए। और सारे ही रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक पॉजिटिव लेवल ऑफ कंट्रोल, जो कि हारमोनियस सिंक्रनाइजेशन बना के रखता है रिलेशनशिप में। तो वो हारमोनियस सिंक्रनाइजेशन जो है रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं मिसिंग है, और दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ग्रज पाल रखा है, बहुत ज़्यादा रिवेंज, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ये लोग सोच रहे हैं अपने मन ही मन में, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। इनके इंटेंशंस कुछ हैं, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ, अब मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन का बदला भी लेना है। तो ये कहीं ना कहीं बदले वाली फीलिंग भी मुझे नज़र आ रही है, बहुत गुड इंटेंशंस मुझे थर्ड पार्टी का नहीं नज़र आ रहा है। इवन आपके पार्टनर भी जो है ना, वो इनकी वजह से परेशान तो हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे। वो हो सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग मैरिड हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हों जो कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हों या किसी ऐसे सिचुएशन में हों। तो अब फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देना उनके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। ओवरऑल जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है, कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं है। बहुत होपलेसनेस है, मगर टूट नहीं रही हैं चीज़ें। टूट इसलिए भी नहीं रही हैं क्योंकि चाह के भी ये लोग ना निकल पा रहे हैं ना ही रह पा रहे हैं साथ में। अगर साथ में खुशी से रह पाए तो भी अच्छा, अगर साथ में ना रह पा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं तो भी अच्छा, मगर फंस गए। और जो फंसे हुए लोग होते हैं, ये धीरे 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 करके आपके पार्टनर निकलने की कोशिश करेंगे, पूरे सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अवॉइडेंस उनके नेचर में ऑलरेडी आ चुका है। अवॉइडेंस उनके नेचर में आ चुका है। अब उनको खुद को ऐसी चीज़ें फील होने लगी हैं कि मेरी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स इनके वजह से होते हैं, और थर्ड पार्टी इज़ लाइक कि तुम अगर कुछ भी करते हो तो उसके एक्शंस का रिएक्शंस तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो आप थोड़ा, अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो या थर्ड पार्टी को पहचानते हो, तो आप उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। उनके लाइफ में अभी कोई भूचाल मचाने की, एनी वेज किसी और के लाइफ में कोई नेगेटिविटी डालने से आपको कुछ नहीं मिलना है, और जो आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो रही होंगी वो भी खराब हो जाएंगी। तो अभी का सिचुएशन बहुत अच्छा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। कंट्रोल एंड एवरीथिंग बहुत ही डगमगाता हुआ है।
और अभी आपके पार्टनर हो सकता है अपने फैमिली लाइफ पे ध्यान देने की कोशिश करें, थोड़ा समय दीजिए उन्हें भी ताकि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम से थोड़ा हील कर सकें। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने वाइट पाइल वाले लोगों के लिए बताई हैं। आई होप कि आप अगले हफ्ते आओगे और एनर्जी अपडेट सुनोगे। ओके, तो अभी थोड़ा इग्नोरेंस मोड में रहेंगे आपके पार्टनर, तो ठीक है, उनके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपका काम है साइड बाय साइड उनको सपोर्ट करना, तो डू सपोर्ट देम। ओके, तो अभी के लिए हमने व्हाइट पाइल की रीडिंग कर दी है कंप्लीट, अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे, दैट इज ग्रीन पाइल। तो देखते हैं ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ओके, तो ग्रीन पाइल पीपल, आपके पार्टनर और आपके सॉरी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, अच्छी हैं अभी एट प्रेजेंट। बीच में इनकी कुछ लड़ाइयाँ हुई थी बट उन लड़ाइयों का जो एंड रिजल्ट है वो अभी सिचुएशंस इन लोगों के कंट्रोल में हैं और ये लोग पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लाइक एक दूसरे के साथ दे आर इन्जॉइंग अ गुड टाइम। ओके, आपके पार्टनर भी इमोशनली थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, तो उनसे जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत टाइम से है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, अपने टाइम को उस पर्सन के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा उनका जो लुक है वो अपने थर्ड पार्टी की तरफ है। ओके, जो मूवमेंट है वो अपने थर्ड पार्टी की तरफ है, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो इमोशनल कनेक्शन है ना वो अभी मुझे बहुत ही करेक्ट नज़र आ रहा है। ओके, वो लोग अपने पैशंस को अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सिचुएशन है। ओके, बहुत ही ज़्यादा पीस है, ट्रू रोमांस है, लव है, केयर है, कंसर्न है। ओके, अगर थर्ड पार्टी इनके किसी बात से बुरा भी मान जाते हैं तो ये उसे ज़रूर ही मनाने जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी इस पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी देख रहे हैं। ओके, अगर थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर नहीं भी जाएंगे तो थर्ड पार्टी ज़रूर ही मनाने जाएंगी। ओके, एक चीज़ तो है कि इनका जो कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं इमोशन बेस्ड ज़्यादा है। ओके, इसमें इमोशनल लव ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, मतलब कि इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है इन लोगों का। ओके, जब ये लोग एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हैं तब ये लोग किसी और को लुक फॉरवर्ड नहीं करते, तब ये लोग किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते, दुनिया प्रॉब्लम्स ये वो जो भी चीज़ें हैं साइड की वो साइड में ही छोड़ देते हैं, तब ये लोग बस अपने और खुद के बारे में और खुद के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। ओके, तो सारे प्रॉब्लम्स को भूल के सारी चीज़ों को भूल के एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हैं। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ही सुंदर दिखते हों, बहुत ही चार्मिंग हों, ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं, मगर अब आप कहोगे कि ट्रस्ट वर्दी हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे हो गया, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके केस में थर्ड पार्टी कोई लड़की ही हो या कोई लड़का ही हो, थर्ड पार्टी तो फैमिली भी हो सकती है। दूसरा, आपके पार्टनर को इजीली एक चीज़ के थ्रू परसू किया जा सकता है यानी उनका दिमाग फिराया जा सकता है, वो है इमोशंस। ओके, बहुत जल्दी ये इमोशंस में बह जाते हैं। ओके, बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को यकीन करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं। ओके,
तो बहुत ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के जो सिचुएशंस हैं वो लव एंड केयर एंड कंसर्न वाले नज़र आ रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो ये उसको सॉर्ट आउट करेंगे, बिकॉज़ इन लोगों की जो फीलिंग है और जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दे आर लाइक मैडली एंड बैडली इन लव। ये लोग अपने नेगेटिविटीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पे वो लोग हों जो जो कि मैरिड ना हो, जो कि अनमैरिड हो, जिनका रिलेशनशिप टूटा और उनके पार्टनर अपने नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा केयर, कंसर्न, लव और बहुत ट्रू लव टाइप की फीलिंग्स इनको आ रही है। और वो जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का केयर करती हैं। दे मेक शी और ही मेक श्योर कि उनको कभी भी किसी चीज़ से कोई हर्ट ना हो। हो सकता है कि ये लोग अपने फैमिली को भी एक्सपोज करेंगे। जो लोग अनमैरिड हैं वो अपने फैमिली को एक्सपोज करेंगे, और जो लोग मैरिड हैं उनके केस में मैं एक चीज़ तो बता सकती हूँ कि उनकी फैमिली ही उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, जिससे कि आपके पार्टनर बैडली, बिल्कुल पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि आँख बंद करके प्यार करना, उस टाइप का करते हैं। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप ये ना सोचें कि किसी को आँख बंद करके प्यार करना गलत है, सही है। मगर जो पार्टनर आपका है, जिसको आप ऑफिशियली शादी करके लाए हो, उसको भी प्यार करना ज़रूरी है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। वो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफर कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये सिचुएशन हो सकता है। एंड द अदर थिंग इज़ कि हाँ, अगर आपके पार्टनर और सी, मुझे तो बहुत लव लव टाइप का सिचुएशन नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अभी जस्ट शादी की हो, अभी उनकी शादी हुई हो, तो वहाँ पे भी वो थोड़े हैप्पी हैप्पी से नज़र आ रहे हैं। इन लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है। फैमिली ने कराई हो खुद से पसंद करके, और जिससे भी कराई है कहीं ना कहीं उसके साथ आपके पार्टनर मुझे अच्छे और खुश नज़र आ रहे हैं। तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपको मैं इनसेंसिटिव साउंड कर रही होंगी, मगर किसी और की लाइफ को ख़राब करके क्या ही फ़ायदा। तो एक ऐसा सिचुएशन है। और हाँ, अगर आपके पार्टनर आप अनमैरिड हो तो भी मुझे लगता है कि उन्हें न्यू फाउंड लव मिला है, और वो लोग आपस में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो इवन अब फैमिली को भी बताने के बारे में सोच रहे हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। जो लोग मैरिड होंगे उनके केस में फैमिली या कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंड हो सकता है, थर्ड पार्टनर, थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है। वो तो आपका सिचुएशन है, मैंने सारे ही ऑप्शंस बता दिए हैं। आपके पार्टनर को, आपके सिचुएशन को जो भी ऑप्शन भाता है आप उसको सेट कर ले। दूसरा कि थर्ड पार्टी इज़ वेरी स्ट्रांग बाय नेचर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये नेचर से। वीक हार्टेड लोगों में से नहीं है, बहुत ज़्यादा गट्स रखती हैं, बहुत ज़्यादा करेज है, हार्ड वर्किंग है, वर्किंग लेडी हो सकती हैं। अगर कोई आपके केस में थर्ड पार्टी में कोई मैन है तो वो पर्सन बहुत हाई वैल्यू, हाई स्टैट्यूट का हो सकता है, रिच हो सकता है, रिच होने के चांसेस बहुत हाई हैं। लोग उनकी बातें मानते हैं। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस इन सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व्ड हों। बहुत सारे लोगों को एडवाइजेस देते हों, हाई पोस्ट की नौकरी करते हों। तो ये पूरा सिचुएशन है। इसमें आप मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशन के साथ एडजस्ट करते और सिचुएशन के साथ एग्रीमेंट करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि दिस पर्सन शुड कम बैक टू मी नो मैटर वॉट, ये पर्सन मेरे पास आना चाहिए चाहे जो भी हो। सी, एक वीडियो में कम से कम 10 बार मैं बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई नेसेसरी नहीं है कि लड़का या लड़की ही हो। आपके सिचुएशन को जो सेट करता है वही आप लीजिए। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो वीडियो देख के थर्ड पार्टी को बनाइए मत। सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए इतने बार बोलती हूँ। द थिंग इज कि अभी इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चल रही है, तो आपको भी थोड़ा सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, थोड़ा शांति की ज़रूरत है। अकेले रहें, मेडिटेट करें, मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ को सुधारने के लिए, उस इंसान के लाइफ को बिगाड़ने के लिए नहीं।
अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे प्रे करते हैं भगवान उनका बिगड़ जाए, उसका खराब हो जाए, उसका रिश्ता टूट जाए। अगर इतनी नेगेटिविटी से प्रे करोगे, जो दुनिया का सबसे अच्छा काम है वही नेगेटिविटी से करोगे, तो फिर क्या ही रिटर्न में मिलेगा? खुद ही सोच के देखो, भगवान ने कुछ सोच के ही आपको इस प्रॉब्लम में डाला है, तो भगवान कुछ समय के बाद आपको निकाल भी लेंगे। कुछ जो चीज़ें आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सिखा के आपको बाहर भी निकाल लेंगे। तो थोड़ा फेथ रखना भी सीखें, ओके, डिवाइन एनर्जी में और डिवाइन टाइमिंग में। तो ये सारा सिचुएशन चल रहा है ग्रीन पाइल पीपल, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा, सी थर्ड पार्टी का इंटेंशन एक तो इमोशंस है ही हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, मगर वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, ओके। ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाले लोग जो होते हैं ना, कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखते हैं, उस टाइप का सिचुएशन आपके केस में थर्ड पार्टी का हो सकता है, कि बहुत ज़िद्द वाले लोग हों, बहुत एंगर और अहम वाले लोग हों। अगर शादी करने वाले लोग होंगे तो शादी के थोड़े टाइम बाद इन्हें ट्रांजिशन में एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, ओके। एंड सी, थर्ड पार्टी से अगर आप पंगा लेते हो और अगर उन्होंने सोच लिया कि वो कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो वैसा ही करेंगे। आपके पार्टनर के सामने ये बिल्कुल ही एक गाय बन के, मतलब होता है ना कि सबसे दुनिया में सीधा साधा सा बन के, और उसके बाद फिर उनको डिसीव करती है, मतलब उनको थोड़ा छलती हैं या छलते हैं कि मैं सबसे अच्छा पर्सन हूँ या मैं सबसे अच्छी लेडी हूँ या मेल हूँ, कि मेरे इमोशंस ऐसे हैं। आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है और उन्होंने भी इमोशनली इन्हें कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों ही पर्सन को थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ऑल दो लवी टाइप का सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा केयर और कंसर्न टाइप का सिचुएशन है, तो ये उनका रिलेशनशिप है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। तो ये ग्रीन पाइल की रीडिंग हो गई है कम्प्लीट। अब जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है वो है ब्लू पाइल की, ओके। तो देखते हैं कि ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो बेसिकली जिन लोगों ने ब्लू पाइल चुना है उसको मैं, उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, बिकॉज बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज हैं, बहुत सारी बातों पे इश्यूज हैं, जो एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप की होनी चाहिए, ओके, वो स्टेबिलिटी मुझे नहीं नज़र आ रही है, ओके। एंड जो एक तरीका होता है किसी भी रिलेशनशिप में रहने का, वो रिलेशनशिप अभी उनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ओके। ये लोग अपने ही इश्यूज़ और अपने ही प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। और इनके इश्यूज़ और इनके प्रॉब्लम्स को कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, ओके। आपके पार्टनर के फाइनेंशियल लॉसेस होने के भी चांसेस हैं, जिसके वजह से, क्योंकि उन्होंने ओवर स्पेंड किया है पास्ट में, ओके, और उसकी वजह से ये फाइनेंशियल लॉसेस आ रहे हैं, ओके। उन्होंने जो एनर्जी क्रिएट की वो चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है थर्ड पार्टी, ओके। और इनसिक्योर होने के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर सकें, अपने चीज़ों को थोड़ा करेक्ट कर सकें, मगर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ओके। पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग के बहुत सारे चांसेस बनते हैं, या तो आपके पार्टनर ने चीट किया है या तो थर्ड पार्टी ने चीट किया है, जिसने भी चीट किया है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर पर्सनल रीडिंग होती तो मैं बता देती कि किसने चीट किया है, बट यहाँ पे या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चीट किया है या थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट किया है और वो चीटिंग पकड़ी भी गई है, ओके। बहुत ज़्यादा जो गेम्स चल रहे थे, झूठ सच जो चीज़ें हो रही थी, उसके वजह से भी ये इंस्टेबिलिटी हो सकती है,
और अब थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा डीप रिग्रेट या डीप सेंस ऑफ फियर कि अब क्या होगा, आगे कैसे चीज़ें फॉलो अप होंगी, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को फील हो रही हैं. एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं. एक डिसीजन को नहीं रीच कर पा रहे हैं. ये रीज़न भी होगा इंस्टेबिलिटी होने का. तो इनकी जो सेट की हुई चीज़ें थी, इनका जो इमोशनल कनेक्शन था सेट किया हुआ, वो अब कहीं ना कहीं मुझे ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है. पास्ट में हो सकता है इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को पूरे तरीके से हाइड करके, मतलब पूरे तरीके से छुपा के रखा हो, मगर अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने या दुनिया वालों के सामने आने लगी हैं. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पार्टनर किसी को भी फेस करने को रेडी नहीं है. उसका दो रीज़न है. एक तो इंस्टेबिलिटी, दूसरा थर्ड पार्टी की चीटिंग, और तीसरा ये इनको बहुत एक रिग्रेट है कि हाँ, मैंने जो किया, मैंने जो बिट्रेयल दिया या मेरी जो चीज़ें खराब हुई वो मेरे वजह से भी हो सकती हैं, तो अब ये फेस नहीं करने को रेडी हैं. और थर्ड पार्टी भी बहुत कैप्चर्ड महसूस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. उनको भी ऐसा लग रहा है जैसे उनके वजह से चीज़ें खराब हुई हैं. ऑफकोर्स अगर उन्होंने बिट्रे किया है, झूठ बोला है, तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर ने पकड़ ली हैं. तो अभी के सिचुएशन में इन लोगों की चीज़ें जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं. और सी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि क्या चीज़ें छुपाई गई हैं, किस चीज़ को लेके इतना डीप रिग्रेट है, किन चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा इश्यूज़ है और प्रॉब्लम्स हैं, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं. मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आपकी रीडिंग में और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें दे देती हूँ. अभी अपने पार्टनर को ज़्यादा पोक करने की कोशिश ना करें, हर टाइम पूछते रहने की कोशिश ना करें कि आपको क्या हो गया है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो. अभी उनके पर्सनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनके साथ स्टैंड करो, उनको ऐसा फील ना होने दो. ठीक है, उन्होंने आपको चीट किया या आपसे ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दी, मगर आपका भी एक वो है, ड्यूटी है कि अगर आपके पार्टनर दुखी हैं तो एटलीस्ट आप इंश्योर करो कि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत हद तक करेक्ट हों, सही हो जाएं. नॉट थर्ड पार्टी के साथ, बट उनके पर्सनल लाइफ में जो भी रिग्रेट है. सी, थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन होता है वो हम लोग कोई नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले. उसका डिसीजन कर्मा करेगा, उसका डिसीजन भगवान करेंगे, अल्लाह करेंगे, जिन जिनको भी आप मानते हो वो करेंगे. तो अभी के सिचुएशन में आप एटलीस्ट ट्राई करो कि आपके पार्टनर इतने जो डीप सेंस ऑफ रिग्रेट में हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल सकें. हो सकता है कि अभी मैरिज में भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स आएँ. अगर आप लोग मैरिड हो तो अगर आपने अपने पार्टनर से मैरिज करने का सोचा है, तब तो आप तैयार रहो कि बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपसे पूरी तरीके से ये जो मैरिज प्लान है इसके बारे में झूठ बोल रहे थे. और इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ये कभी उस स्टेबिलिटी के तरफ या कभी उस स्टेबिलिटी को लुक फॉरवर्ड करें, बट इन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, आपको फंसा के रखने के लिए ये चीज़ें की हैं. तो अभी का जो सिचुएशन है, सी एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि जितना अच्छा उन्होंने सोचा था इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, चीटिंग, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने नहीं, थर्ड पार्टी ने चीज़ों को छुपाई हैं. नेगेटिविटीज़ की हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस किए हैं, चीट होने के बहुत चांसेस हैं. तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं. और अभी इमोशनली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ही ज़्यादा. तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो अभी चलेगा ही चलेगा, एक रिग्रेट चलेगा. अभी वो किसी पे यकीन नहीं करेंगे, बहुत एक लंबे समय तक यकीन नहीं करेंगे. और थर्ड पार्टी इस चीटिंग के बाद भी ऐसा नहीं है कि सेपरेट होने का सोच रहे हैं. हो सकता है आपके पार्टनर सेपरेट होने का सोच रहे हो, बट आप ये जो थर्ड पार्टी हैं वो अभी भी ऐसा दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं दैट इफ जैसे कि वो इमोशनली आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं.
बट ट्रस्ट मी, वो इमोशनली किसी और से भी कनेक्टेड होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, जिसके वजह से उन्होंने ये चीटिंग की, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आई. ओके, कुछ एक एक्सपोजर्स भी हो सकता है, या तो आपने फाइंड आउट कर लिया है उसके वजह से भी ये कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने रिलेशनशिप को भी थोड़ा सेव करने की कोशिश करें. ओके, और ग्रजेस ना पालें, ग्रजेस ना अपने पार्टनर के लिए पालें और ना थर्ड पार्टी के लिए पालें, बिकॉज ग्रज एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है और उसमें आपको नहीं पड़ना है. स्ट्रेंथ रखें पूरे सिचुएशन में, हिम्मत रखें पूरे सिचुएशन में. ऑलरेडी ये बहुत ब्रोकन टाइप का मुझे नज़र आ रहा है. ये जो चीटिंग हुई है उसके लिए आपके पार्टनर कभी भी थर्ड पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं. वो खुद के लिए टाइम लेंगे, खुद की चीज़ों को करेक्ट करेंगे, बट वो कभी थर्ड पार्टी को अब इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करने वाले हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें अभी हुई हैं ना वो पहली बार हुई हैं, वो पहले भी होती रही हैं, बट आपके पार्टनर ने उनको इग्नोर किया, माफ़ किया, ये सोच के कि चलो हो सकता है, या उनको ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं जो चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मे बी वो करेक्ट ना हो, मे बी सिचुएशंस अलग डायरेक्शन में हो, मैं अलग डायरेक्शन में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, जिसके वजह से उनकी उन्होंने यकीन नहीं किया. तो आज जब इन एंड आउट ट्रुथ उनके सामने हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहेंगे. वर्क लाइफ पे भी ध्यान नहीं देंगे. ओके, इमोशनल लाइफ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे. फैमिली से भी कम बातें करेंगे. ओके, अगर आप कुछ बोलने भी जाओगे तो उस चीज़ को नहीं सुनेंगे. एट द सेम टाइम इमोशनली वीक भी फील कर रहे हैं, बट इमोशनली किसी से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते हैं. बहुत मुझे लगता है कि ये थोड़े लंबे समय से चला आ रहा है, अभी थोड़े और टाइम चलेगा. मैरिज का कमिटमेंट अगर इस पर्सन ने आपको दिया था तो ये झूठ था, ये एक पिक्चर था जो आपको गलत तरीके से दिखाया गया कमिटमेंट में रखने के लिए. इनका कोई ऐसा इंटेंशन आपसे शादी या आपके साथ रहने का नहीं था. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी थोड़ा, आप दोनों ही पर्सन, आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो. अगर आप लोगों का रिश्ता ख़राब भी हुआ होगा ना, तब भी आपने देखा होगा दोनों ही थोड़े कन्फ्यूजन्स में थे, मगर वो निकल के चले गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा. ओके, और आप आज भी उम्मीद लगा के बैठे हो. तो उम्मीद लगा के बैठे हो का मीनिंग तो है कि आप उनसे प्यार करते ही होगे. तो अभी थोड़ा टाइम दीजिए, ये पूरा सिचुएशन करेक्ट होने के चांसेस हैं, मगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को तो माफ़ नहीं करने वाले हैं, चाहे वो जितना भी विक्टिम बन के क्यों ना दिखा लें. ओके, बिकॉज अब उनका सच्चाई से सामना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई से सामना हुआ है उसको वो इग्नोर करने के लिए अब रेडी नहीं है. तो ये रीडिंग कर दी मैंने ब्लू पाइल पीपल के लिए. अब हमारी रीडिंग हो गई है कम्प्लीट. आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद, एंड आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद. एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ. नमस्ते, अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलूंगी आपसे जल्द ही. आप प्लीज़ मुझे बहुत सारे वीडियोस का सजेशन दीजिए सो दैट मैं आपको और भी वीडियोस जनरल रीडिंग पे बना सकूं. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. बाय बाय, सी यू अगैन.